आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अभी तक हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियों ग्राफीय विधि तथा प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया। आगे बढ़ते हुए आज हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक और बीजगणितीय विधि जिसे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड कहते हैं का अध्ययन करेंगे। आइए एक बार फिर राहुल द्वारा बनाए गए दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को देखते हैं। आज हम आइसक्रीम व गुब्बारों की संख्या विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कर राहुल की मदद करेंगे। सबसे पहले दोनों समीकरणों के किसी एक चर x अथवा y के संख्यात्मक रूप को समान करते हैं। ऐसा करने के लिए किसी एक समीकरण जो सुविधाजनक हो अथवा दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्यतर अचरों यानी कि नॉन जीरो कांस्टेंट से गुणा कर एक दूसरे में जोड़ते हैं या एक को दूसरे से घटाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ समीकरण एक को गुणा करना सुविधाजनक होगा क्योंकि समीकरण एक में दोनों चरों का गुणांक एक है जो गुणा की प्रक्रिया को आसान कर देता है। समीकरण दो में x का गुणांक तीन है इसलिए दोनों समीकरणों में चर x को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए समीकरण एक को तीन से गुणा करते हैं। क्या आप समीकरण एक को तीन से गुणा कर सकते हैं? शाबाश, तीन से गुणा करने पर हमें 3x जमा 3y बराबर 57 प्राप्त होता है जिसे हम समीकरण तीन कह सकते हैं। अब चर x को विलुप्त करने के लिए समीकरण तीन को समीकरण दो में से घटाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमने यहाँ समीकरणों को घटाया क्यों है? बिल्कुल सही, यदि विलुप्त करने वाले चर के दोनों समीकरणों में चिन्ह समान यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक हो तो हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं और यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। जोड़ने या घटाने के बाद हमें एक चर में एक रैखिक समीकरण युग्म मिल जाता है। अब आगे हल करने पर y बराबर 12 मिलता है। अब y के इस मान को किसी भी समीकरण जो सुविधाजनक हो में प्रतिस्थापित करते हैं। आइए हम y के इस मान को समीकरण एक में प्रतिस्थापित करते हैं जिसे आगे हल करने पर x बराबर 7 प्राप्त होता है। अतः राहुल ने 7 गुब्बारे व 12 आइसक्रीम खरीदे थे। यहाँ हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर दूसरे चर में एक रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त किया, इसलिए इस विधि को विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आज इस वीडियो में हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि का चरणबद्ध अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम विलोपन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।